वेटनरी नेशनल ज्योग्राफिक के देख देख करके था कि वेटनरियंस बहुत अच्छे हैं, जाते हैं लाइंस का ये कर, थोड़ा था उस तरह रुझान तो था ये। हम लोग हेमंत सर के पास गए सीएम से, जब भी जाते थे ना मिलने वो हम लोग को डेट देते थे, और आज है कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिला है। अभी के जो यंग ब्लड है ना, कितना ही हम लोग बैठेंगे, हम खुद में बोरियत होगी। मैं तो सीएम सर का धन्यवाद दूंगी कि मतलब पेंशन फिर से लागू कर दिया गया है। कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो लगेगा ही। 2016 में एक आया था नियुक्ति, उसके बाद वेटरनरियंस का नियुक्ति नहीं था। बचपन से क्या बनना? डॉक्टर ही। डॉक्टर ही बनना? मेंटली रिलैक्स तो एक तरफ से रहता है कि भाई अब सरकार का भरोसा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा। कितने खुश हैं आज मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिले? बहुत खुश हैं। श्रद्धा जी, भगवान मिलना मुश्किल है, भगवान मिल जा रहे हैं आसानी से, नौकरी नहीं मिल रही, आप क्या मानते हैं इसको? सही बात है, क्योंकि हम उस दौर से भी में थे जब हेमंत सरकार नहीं थी, तब भी हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तब हम देखे कि मंत्री से हाँ 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 करते हैं, बट इन पे डिफरेंस था। हम लोग गए, हम लोग बोले कि हम लोग का इतना मतलब 2016 में एक आया था नियुक्ति, उसके बाद वेटनरियंस का नियुक्ति नहीं था। हम लोग हेमंत सर के पास गए सीएम से, जब भी जाते थे ना मिलने वो हम लोग को डेट देते थे, और आज है कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिला है, तो डिफरेंस तो है इस सरकार में। सपना साकार हो। हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? दो बहन हम तो। बड़ी हैं आप जी। तो बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, या फिर पढ़ाई के दौरान ये विकल्प मिला? नहीं, मतलब वेटनरी नेशनल ज्योग्राफिक के देख देख करके था कि वेटनरियंस बहुत अच्छे हैं, जाते हैं लाइंस का ये कर, थोड़ा था उस तरह रुझान तो था ये। बचपन से क्या बनना? डॉक्टर ही। डॉक्टर ही बनना। क्या कहेंगे उन अभ्यर्थियों को जो अब भी जद्दोजहद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही? सबने कहा कि भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना मुश्किल है, ऐसे दौर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जब सफलता आपके हाथों में है? कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी तो लगेगा ही। तो कोशिश में मतलब चूक नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सारे ऊपर वाले के हाथ पे होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि नौकरी मिल गई सरकारी तो बस लाइफ सेट हो गया, उसके बाद अब जो है जैसे मर्जी हो काम करो, सरकारी ऑफिस का हाल तो सब जानता है, आप किस तरह से काम करेंगे? ऐसा नहीं है, अभी के जो यंग ब्लड है ना, कितना ही हम लोग बैठेंगे, हम खुद में बोरियत होगी तो चलो कुछ काम कर लेते, क्योंकि हम लोग भी प्राइवेट से इतना प्राइवेट में खट करके आए ना, तो वी नो इतना इन्वायरमेंट पता है कि कैसे काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आज के जनरेशन कोई बैठ के रहना चाहेगा। क्या काम करते थे पहले प्राइवेट? टाटा स्टील्स में थे। तो प्राइवेट के बाद अब जो सरकारी नौकरी में, कितना खुश हैं ये, कितना बदला हुआ कुछ नजर आ रहा है मन से, मेंटली आप कितना रिलैक्स महसूस करते हैं? मेंटली रिलैक्स तो एक तरफ से रहता है कि भाई अब सरकार का भरोसा है, और नौकरी भी और पेंशन भी दोनों साथ मिला है, इस पे क्या कहें? इसके लिए मैं तो सीएम सर का धन्यवाद दूंगी कि मतलब पेंशन फिर से लागू कर दिया गया है। तो बिल्कुल, ये देखिए जो पशु चिकित्सक हैं वो काफी खुश हैं, आज उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, और ये कह रहे हैं कि युवाओं को भी बस कोशिश करते रहना है, नौकरी अगर वो मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।